हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरजीत की रसोई। बच्चे हो या बड़े, आइसक्रीम शेक पीना सभी को बहुत पसंद होता है और मार्केट के जैसा टेस्टी आइसक्रीम शेक अब हम घर में मिनटों में बनाएंगे। आज मैं दो तरीके के आइसक्रीम शेक की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, चोको पाई आइसक्रीम शेक और ब्राउनी आइसक्रीम शेक। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि मेरी एक भी वीडियो को मिस ना करें। चोको पाई आइसक्रीम शेक बनाने के लिए ये मैंने दो पीस चोको पाई के लिए हैं, मिल्क लिया है 1 ग्लास, वनीला आइसक्रीम ली है, इसके मैं 2 स्कूप यूज करूंगी, थोड़ी सी चॉकलेट ली है, चॉकलेट की जगह पर आप चॉकलेट सिरप का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और उसमें डालेंगे चोको पाई। चोको पाई के मैंने छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल लिए हैं, साथ में डाल देंगे चॉकलेट और थोड़ा सा मिल्क और आइस क्यूब डाल देंगे थोड़ी सी। अगर आपको शुगर थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी शुगर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें शुगर का यूज़ नहीं किया है। और इसे अब हम ब्लेंड कर लेंगे जिससे कि चोको पाई और चॉकलेट अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगी। अब इसमें जाएगी आइसक्रीम 2 स्कूप और बचा हुआ मिल्क डाल देंगे और फिर से इसे एक बार ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा चोको पाई आइसक्रीम शेक बनकर तैयार हो गया है। इसे हम गिलास के जार में निकाल लेंगे और ऊपर से डालेंगे व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट स्प्रिंकल। ये होममेड चॉकलेट स्प्रिंकल है, इसकी रेसिपी भी आप जल्दी ही मेरे चैनल पर देख सकेंगे। तो अब ये देखें, हमारा चोको पाई आइसक्रीम शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। देखें कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। अब हम बनाएंगे दूसरा आइसक्रीम शेक, ब्राउनी आइसक्रीम शेक। इसके लिए मैंने 2 पीस ब्राउनी के लिए हैं, इसकी जगह पर आप कोई भी केक ले सकते हैं। साथ में ही लेंगे वनीला आइसक्रीम, 1 गिलास मिल्क और ये मैंने लिया है हर्षी का चॉकलेट सिरप। अगर आप चॉकलेट सिरप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर चॉकलेट डाल सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हैं। तो अब ये मैंने ले लिया है ब्लेंडर जार और इसमें डाल देंगे ब्राउनी। इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर डालेंगे और छोटा सा एक पीस रख लेंगे ऊपर से डालने के लिए, और साथ में डाल देंगे चॉकलेट सिरप। ये मैंने 1 पैकेट चॉकलेट सिरप का लिया है, पूरा ही डाल देंगे इसमें, और डालेंगे मिल्क 1 गिलास और आइस क्यूब डाल देंगे, वनीला आइसक्रीम डालेंगे 2 स्कूप और अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। इसके लिए भी ये मैंने 1 गिलास का जार ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए ये चॉकलेट सिरप है, इससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। हल्का हल्का सा ऊपर से डालते जाएंगे और ये नीचे एक डिजाइन सा बन जाएगा इस तरह से, आप देखें। अब ये जार डेकोरेट हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे ब्राउनी आइसक्रीम शेक और ऊपर से थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालेंगे और थोड़े से पीसेस ब्राउनी के डाल देंगे और ये होममेड चॉकलेट डेकोरेशन को भी लगा देंगे ऊपर। तो ये देखिए हमारा ब्राउनी आइसक्रीम शेक बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।